क्योंकि देखो लड़कियों के लिए मेकअप बनाएगा, मेकअप नहीं करूंगी तो मेकअप मुझसे बुरा मान जाएगा। सारे कपड़े ऐसे गायब होते। गोलू थोड़ा सा पेट खींच के। गोलू आईब्रो पकड़ रही है कि तू सर दबा रही है मेरा? इसे 10 रुपए एक्स्ट्रा लेना। ये सुनना चाहती है, पतली हो गई मैं। हर दिल में अरमां होते तो है। रंदा हंडी छोरा हंडी हंडी काम करूंगा, काम गेला मां बाबू का नाम करूंगा। एवरीवन कैसे आप सब, होप करते हो आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस घर आ चुके हैं दिल्ली से, और दिल्ली का जो सफर था बहुत ही अच्छा रहा। बहुत सारी मीटिंग्स थी वो अटेंड कर ली, जितने भी काम थे वो सब हो गए। तो अभी मैं और पायल जा रहे हैं बाहर मार्केट, क्योंकि काफी दिन हो गए थे हम लोगों ने शॉपिंग नहीं की थी। सोचा एक काम करते हैं, आज जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो गाइस गुड न्यूज ये है, एक गुड न्यूज ये है कि मेरे को मेरी पुरानी वाली जींस आ गई। बड़ी ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि गर्मी आ गई थी, मैं यही वेट कर रही थी कि यार बस एक बार गर्मी आ जाए। पायल को ये बात बोलती कि पायल गर्मी आते ना मैं अपने पुराने कपड़े पहन लूंगी, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। पायल अब एक बात बता, मैं अभी 2 किलो और कम करूँ ठीक हूँ? नहीं अब नहीं करना, अब मैं वेट और वेट। अब वो स्लिमिंग वाला प्रोडक्ट अब थोड़ी देर स्टॉप करते हैं। अब स्लिमिंग वाला प्रोडक्ट स्टॉप कर दो, बस इससे ज्यादा कम ना होना ना। तो गाइस ये वाली जो ड्रेस है ना, ये पायल ने ना मंगवाई थी प्रेगनेंसी से पहले मेरे लिए। पर हुआ क्या मैं बता देती हूँ, हुआ क्या जैसे पायल ने मेरे लिए ना कम से कम, मैं सच बता रही हूँ, कम से कम 20 जोड़े नए कपड़े ऐसे मंगवाए, क्रॉप टॉप स्कर्ट वो इतना कुछ मंगवा दिया ना। फिर जैसे ही कपड़े मंगवाए उसके एक महीने बाद मैं प्रेगनेंट होगी, वो सारे कपड़े हमने रख दिए बेड के अंदर। तो उनमें से एक और ये भी है, मेरा आईवीएफ का ट्रीटमेंट चल रहा था तो मेरा भी वेट ना बढ़ता जा रहा था, क्योंकि इंजेक्शन लग रहे थे ना, इंजेक्शन लग रहे थे। तो अब जो है ये ड्रेस फाइनली मुझे आ गई है, मैं बहुत खुश हूँ और बिल्कुल मेरी फिटिंग की ऐसा लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। चलो तो भाई हम पहुंचे हैं अभी अभी सुबह 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 क्योंकि इतनी तेज रोशनी, ऐसा लग रहा है अभी सुबह हुई है। तो हम लोग पहुंच गए नीचे, सबसे पहले जाना थ्रेडिंग कराने, उसके बाद जाना है हमें वीआईपी मार्केट, उसके बाद चीकू को आज बहुत सारी कंजक मिली है तो हम सोच रहे हैं चीकू को अपने कंजक से कुछ दिला। तो गाइस हम हो चुके हैं रेडी और जा रहे। तो गाइस रेडियो के नीचे आ चुकी, इतनी प्यारी हवा चल रही है ना, बहुत अच्छी हवा चल रही है सच में। देखो मैं आपको झूठ नहीं बोल रही, मेरे बालों का जो रिजल्ट है ना इतना अच्छा आ रहा है ना उस ऑयल लगाकर, और स्किन ऐसी चमक रही है। थोड़ा सा मेकअप करा है सिर्फ हल्का सा, क्योंकि देखो लड़कियों के लिए मेकअप बनाकर मेकअप नहीं करूंगी तो मेकअप मुझसे बुरा मान जाएगा, मेकअप मुझसे नाराज हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहती कोई मुझसे नाराज हो, मैं जिंदगी में सबको हैप्पी देखना चाहती हूँ। तो भाई यहाँ पे पायल का शूट चल रहा है, हम लोगों ने कल ना बहुत सारे ना नए सनग्लासेस लिए थे, तो हमने सोचा है काम करते हैं उस सनग्लासेस में शूट करते हैं। और देखो जब रेडी होता है ना इंसान तो ऑटोमेटिकली ना कॉन्फिडेंस आता है शूट करने का। तो गाइस अभी पता क्या हो गया ना, पायल ना टेक ले रही शूट कैसे ना चल रही है ऐसे स्टाइल मार के, ऐसे मारते मारते चप्पल निकल गई उसकी। तो ठीक है वो तो टेक आपको इंस्टाग्राम पर दिखेगा, हमने कट कर लिया, बट स्टाइल ऐसे मारा। और देखो हवा इतनी तेज चलती है, मैं सोच रही हूं किसी की जींस या पजामा गिर गया और आगे किसका टॉवल गिर गया, उसके आगे भी किसका कपड़ा गिर गया। सारे कपड़े ऐसे गायब होते हैं, मुझे लगता है सारे कपड़े। मैं पूछती हूं भैया से, कपड़े रख के तुम क्या करते हो? हमारे बहुत सारे कपड़े गायब हो गए हैं, पूछती हो भैया। सुनना भैया, आज से कुछ महीनों पहले ना एक टॉवल गिरा था नीचे, अभी तक नहीं मिला। आपको? ओहो मैंने गलत इंसान से पूछ लिया, वो कह रहा है मेरे को तो 2-3 दिन हुए हैं। भाई तो गाइस मैंने ये वाला शेड्स लिया था, कटलर एंड ग्रॉस, ये वाली कंपनी में फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ। और सच में मेरा और पायल के जो शेड्स है ना बहुत ही ज्यादा अच्छे, क्योंकि मेरे पास ना ऐसा प्रिंट का शेड नहीं था, ब्लैक थे, डे के थे, नाइट के थे, बट ये वाला शेड नहीं था। और चीकू के पापा ने हमेशा समझाया जब भी शेड्स पहनो ना पहले उसे साफ करो फिर उसे पहनो। तो भाई मेरा शूट हो गया और मैंने अपना जो कटलर एंड क्रॉस वाला जो चश्मा है ना वापस संभाल के रख लिया। अच्छा इसका डब्बा है चश्मा मेरा, मैं देख के बताती हूँ कौन सा चश्मा है। तो गाइस आजकल चश्मा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई मेहनत करी हुई ऐसे चश्मे पहनने के लिए। ये है विक्टोरिया का चश्मा है, तो मेरा हो गया, मैं इसे रख रही हूँ क्योंकि मुझे चश्मे ना तब अच्छे लगते हैं जब मैं पूरी अच्छे से गेटअप करके चलूँ ना, तब जब मेरा हेयर स्टाइल अच्छा हो सब कुछ अच्छा हो तब मुझे चश्मे लगाने अच्छे लगते हैं। ये तो मैंने वीडियो में लगाया था, अब मैं इसे वापस रख लेती हूँ संभाल कर। चीकू हमारा वेट कर रहा है गाड़ी के अंदर, तो बस इसकी वीडियो हो जाएगी। देखो तो देखो 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 जैसे कैसे हीरोइन बन गई, जैसे कितनी बड़ी हीरोइन हो, जैसे कितनी बड़ी हीरोइन है। कौन मैं? हीरोइन हूँ, मॉडल है तू? बिल्कुल थोड़ी सी एक्टर विद मॉडल, थोड़ी सी एक्टर विद मॉडल, थोड़ी चबी मॉडल हूँ। गोलू थोड़ा सा पेट खींच के, एक सेकंड ऐसे हल्की सी दे, मेरा भी ऐसा नहीं है, मेरा भी है, हल्का सा खींचना पड़ेगा भाई, जल्दी खींच दे पेट। यार एक बात बताया, एक बात बता, पेट तो होगा ना, पर सीजेरियन है ये ले डाल, सीजेरियन का पेट नहीं जाता, कटलर क्रॉस में डाल, ये इसमें मैंने अपना डाल दिया। तो भाई गर्मी इतनी तेज थी कि मैं अपने बाल ना ज्यादा देर खुले नहीं छोड़ सकती, हालांकि मेरे बाल बहुत छोटे हैं, पहले बहुत लंबे थे तो मैं खुले रखती थी, अब मेरे बहुत छोटे हैं तो मैं खुले नहीं रख पाती, तो इसलिए मैंने कर लिया चोटी। और सच में मेरे बाल पहले से बहुत टच वुड, मैंने भी यही बात आज बोली कि मेरे इनमें शाइन भी आ गई है, शाइन भी आ गई है, मतलब क्वालिटी भी अच्छी होगी बालों की, स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी, पहले इतने ज्यादा बाल टूटते थे अब वो हेयरफॉल भी रुक गया।
गया है, तो बस गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है और हम सही समय पे निकले हैं। अब बस दो चार काम करके और हमें कल मेरे बारे में नहीं बोलेगी एक बात क्या बोलो कि गोलू हम बच्चों को लेके जाते, गोलू ने बोल दिया हम बच्चों को लेके जाते, गोलू ने बोला कि नहीं बच्चों को मत लेके जा क्योंकि धूप है लू चल रही है अच्छा नहीं। तो गाइस हम लोग पहुंच गए सैलून में और बस थ्रेडिंग करवा रहे हैं फटाफट, एक्स्ट्रा बाल जितने भी वो रिमूव करा रहे हैं, क्योंकि देखो आप कुछ भी करवा लो और जब तक थ्रेडिंग नहीं होती तब तक लुक नहीं आती। और कल भाई हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि कल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक शूट है, उसके लिए थ्रेडिंग करवाना बहुत जरूरी है। भाई अभी मैं साथ वाली दुकान पे गई थी ना पानी की बोतल लेने के लिए, तो मैं दुकान के बाहर बाहर से आ गई, तो भाभी ना बोल रही थी कि यार कितनी पतली हो गई, तो मेरे को सुनाई तो दिया, मैं ऐसे गई मैं क्या भाभी क्या बोले कितनी पतली हो गई, मैंने क्या हाँ थैंक यू, मैंने मुझे सुनाई तो दिया था पर दोबारा सुन जाए खुशी मिलती है ना। अभी कह रही पायल मैं जाऊंगी तुम बताइयो पहले ना, वो कहेंगे अब तो ज्यादा ही बदले हो वो अचंभा हो जाएंगी, वो ना काम करो पूरे एक साल बाद आएगी और बदले हो मेरे जितने हो जाएगी सब जाएगी। बोलो आईब्रो पकड़ रही है कि तू सर दबा रही है मेरा, तू क्या हो गया तू पकड़ी नहीं ढंग से इसके बाल, आपके बाल ही तो नहीं मैम, हम क्या करें हमारे सैलून की गलती थोड़ी है, आप अपने बाल देखो पहले, आप कितने आप ऑयल अपने फोरहेड पे भी लगा रही हो क्या, आप जगह जगह बाल उगा रहे हो, काफी टाइम से मैंने लेजर नहीं कराया है। ओहो फेस पे देखो देखो आपके मैं बाल के साथ सबको सिला भी रही हूँ, देखो कैसे लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है, इससे तो लोगों के बाल झड़ते हैं। मैडम क्या कर रहे हो, ठीक है क्लाइंट जैसे मैंने इसके घर पे आके बाल उगाए हो, अब आपके बाल ड्रायर से कर दो, दस रुपए एक्स्ट्रा लेना ड्रायर पे करा दिए, तो मेरी थ्रेडिंग बन गई है, मैं चाहती हूँ ना मैं एक बार भाभी से मिल के आऊं, ये जान के जा रही है ये सुनना चाहती है ये पतली हो गई, मैंने इसको आगे बताया ना ये पतली, भैया जाके सुन क्या क्या बोल के भाभी मुझे बता रहे अच्छी लग रही, छोटा हो गया फेस मोटा कर लो, मैं तो तारीफ सुनने आई थी फेस पे थोड़ा सा ग्लो पहले था ना जैसे आपके फेस पे, अब ग्लो कम कम हो गया था थोड़ा सा, उसको थोड़ा सा वो थोड़ा नहीं ये ऐसे हो गया यार। इसको कुछ खाने के लिए दे दो, क्या लेना भाभी जी हाँ। मैं पीछे पीछे गया तो वो तो भाभी तारीफ सुनने गई थी, कह रहे आप तो बहुत सूख गया आपका फेस, सूख गया आपका ग्लो खत्म हो गया, भाभी बोली मैं तो तारीफ सुनने आई थी ये क्या बोल दिया नहीं भैया पता क्या, हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना उसका इतना इंस्टेंट रिजल्ट है, सच में इतना इंस्टेंट रिजल्ट है कि इंसान ना बहुत जल्दी स्लिम हो सकता है, और स्लिम के साथ साथ ना आपको ना आपकी बॉडी पे कंट्रोल रहेगा, मतलब आपको जितना वेट करना है वेट कम करना है उतना ही वेट कम, तो भाभी ने और कितनी पतली हो गई तो बोल भाभी वो चला गया, बोल भाभी मैं स्लिमिंग प्रोडक्ट यूज कर रही हूं, किसी किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा खतरनाक होता है इसका वही है। तो गाइस हम मैं और गोलू आए थे चप्पल लेने, और साइज छोटा लग रहा है गोलू, एक साइज बड़ा आएगा, और ये वाला डिजाइन और पैटर्न बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी ऐसा मेरे पास है, तो ये वाला अच्छा लग रहा है, ब्लैक ज्यादा अच्छी लग रही है, ब्लैक अच्छी लग रही है तो ब्लैक ब्लैक सब पे भी चली जाती है। हाँ, हमें क्योंकि ना हमें चप्पल ऐसे चाहिए, अब क्योंकि समर्स आ गए तो समर्स में मोस्टली ना वो पहनेंगे सूट्स पहनेंगे चप्पल, ये देखो ना बाहर निकल रहा है। तो गाइस हमें ना ये रेड और ग्रीन कलर बहुत ज्यादा सुंदर लगा क्योंकि हम डिजाइनिंग पहनते हैं कलर अलग अलग, और यार पता नहीं हमारे पैर को क्या हो गया, पैर छोटे हो गए, मेरे को बिल्कुल परफेक्ट आ गया, देखिए वाला ले लेते बाहर तो नहीं निकल रही, नहीं तू बता ये ब्लैक ले लेते और एक ये ब्लैक ले ले, इसे बड़ा साइज लू, नहीं बिल्कुल परफेक्ट है परफेक्ट साइज ओके, इसका साइज दिखाना भैया, ये एक काम करो आप एक ही दे दो, एक ही दे दो, एक ये और इसका साइज दे दो। तो गाइस हम लोगों ने फोर स्लिपर्स लिए, एक तो ब्लैक वाली ली है एक ये ली है, इसमें हम कंफ्यूज हो रहे थे ठीक है कि कौन सी ली, क्योंकि इसमें दो डिजाइन थे और एक हमने ग्रीन ली है एक हमने ये मैरून लिया, चार चप्पल हो गए, चारों मिलके पहन लेंगे, दोनों हम साथ में पहनेंगे कभी कभी और ये भी हम साथ में पहन सकते हैं क्योंकि स्टाइल सेम है, और ये दोनों कलर ना बहुत सुंदर लग रहे हैं, कैमरे में कैसे लग रहा है कलर, ये बहुत अच्छा आ रहा है ना, दोनों खेल के आ रहे हैं ना। तो हम लोगों ने ब्राइट चप्पल ली ना, ब्राइट चप्पल ना डल सूट के साथ अच्छी लगती है, जैसे हमने कभी व्हाइट कलर का सूट पहना है तो व्हाइट कलर के सूट के साथ बहुत खिल के आएगी, क्रीम कलर का सूट है लाइट कलर के ऊपर पाए हैवी चप्पल अच्छी लगेगी, पहले भी एक और चप्पल पसंद करते हैं, यार कुछ और लेने याद आ रहे नहीं और कुछ नहीं लेना, बस चप्पल लेनी है, बस सामान लेना शैम्पू और बच्चों का सामान और वो भी लेना है, हाँ शैम्पू और बच्चों का। तो गाइस चप्पल के चक्कर में अपने बैग ही भूल गई, मैं लेके गई थी इस बैग में ना मेरे दो चश्मे और कुछ भी नहीं है, कैश वैश तो नहीं है पर फिर भी यार चश्मे बड़े महंगे हैं, तो मैंने ना कोने पे रखा चप्पल ट्राई करने के चक्कर में, मैं आ गई मैं कह रही ब्लैक बैग कहां गया, शुक्र पर याद आ गया, वैसे दुकानों से कई चीज पर मैं तो परेशान हो जाती ना कि मैंने कहां रखा, फिर मुझे व्लॉग देखना पड़ता कि मेरे हाथ में कब था बैग कब नहीं था, सॉरी भाई पता नहीं कहां पैंट ढीली करवा के आया है, झूला झूलने में करवा के चल बैठ जल्दी चीकू जल्दी बैठा ए, मेरे पेट पे दर्द हो गया चलो तो भाई यहाँ पे बच्चों के लिए वाइप्स ले लिए, तो ना बाय टू थायर वाइप्स इतनी ज्यादा जरूरी है, गोलू पैंपर्स यूज करके देखें एक बार, पैंपर्स डायपर यूज करते हैं, पैंपर डायपर पैंपर यूज करते हैं, तो एक काम करते पाए एक पैकेट ले ले पैंपर्स का, एक या दो ले ले, नहीं ये मुझे लगता है ये अच्छे होंगे, चल ठीक है ये हाँ देख देख चुके देख बैठे तो भाई मैंने बच्चों के लिए ले लिया एल डायपर, क्योंकि ना बच्चों को तीनों को एल आता है, पहले अलग अलग डायपर आ रहे थे बट अभी तीनों को सेम डायपर आता है, तीन पैकेट ले लिए तीन बच्चों के लिए। चलो भाई आगे चलते हैं, आप घर में एक भी शैम्पू नहीं है, इतने सारे
है कंडीशनर पर शैम्पू एक भी नहीं है, तो शैम्पू ले लेते हैं। सिल्क सही लगता है, ये ड्रेस में लू चूती को सही लगी वो लीले ड्रेस में भी है। सनसिल्क लेती हूँ, ठीक है वो सनसिल्क से बाल बहुत अच्छे होते थे पहले। ठीक है कोई साइज नहीं लेना, मैं फेविस्टिक मांग रही थी, मुझे एक अर्जेंट काम था, मैंने घर से मंगवा ली थी, बाहर से मंगवाती रख के जाओ, बेफालतू की चीजें मत लो। नहीं है ये तो पेंडिंग बड़ा है ना, बड़ा ले ले फिर, एक काम करो बड़ा वाला ले ले, दो ले ले बस। ठीक है ये रहा सिल्की स्मूथ, तो भाई हमने बड़ा वाला ले लिया, दो शैम्पू ले लिया, दो बड़े कंडीशनर पड़े अपने पास। चलो तो गाइस अभी आ गए हम लोग कुछ खाने के लिए, क्योंकि लग रही है बहुत बहुत जोरों से भूख, और मॉर्निंग में कंजक की हमने वो खाए थे आलू पूड़ी छोले और साथ में हलवा, तो उस टाइम के बाद कुछ खाए नहीं तो भूख लग रही है, हमने कहा कुछ खा लेते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं घर की तरफ। पहले जो मुझे मीठा पसंद था ना, मैं ये वाली जो डबल चंक चॉकलेट है ना, ये पूरी कुकी ये एक टाइम में खा लेती थी। भाई आज पायर अपना पूरा ध्यान रख रही है, उस दिन क्या हुआ हम ना कहीं बाहर गए थे तो ब्राउन सैंडविच खा रही, उस ब्राउन सैंडविच में ना मजे से खा रही, मैं सारे टमाटर निकाल के रख दिया अलग और ये खा रही, फिर कहती कि ना गोलू मैंने कहा पायल तू क्यों खा रही है इसमें, तो देखो पथरी है तू मत खा, आज इसको याद आया तो भी स्पेशल इसका जो सब बन रहा है ना उसमें कह रही है कि मेरे सब में टमाटर मत डालना, टमाटर और खीरा दोनों ही डलवा रही क्योंकि मुझे बोला गया बीज वाली चीजें नहीं खानी। हाँ तो आज हम फर्स्ट टाइम ना गार्लिक ब्रेड मतलब ऑर्डर कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं हमेशा मल्टीग्रेन ऑर्गेनो, हमने कहा आज कुछ डिफरेंट हो जाए क्योंकि नवरात्रि का पूजा हो गया ना हमारे घर में, तो अभी सब्जियां लेनी जाते हैं वो बहुत जरूरी ना, घर में लहसुन है ना प्याज है ना आलू है। यहाँ पे मैं बच्चों को ना चार मून दिखा रही हूँ, एक बार सिनेमेटिक चेक करो बच्चों के रूम के, इतना जबरदस्त लग रहा है। सभी बच्चे एकदम से देख रहे हैं मम्मा को, लोरी गा रही है पायल ताकि बच्चे सो जाए, देखती हूँ बच्चे सोते हैं कि नहीं सोते। पायल बहुत ही प्यारी मीठी सुरीली लोरी गाएगी, गाओ पायल लोरी। चीकू के लिए गाती थी जब चीकू छोटा था, अंबिया आम वाली, अच्छा वाली गई हूँ। क्यों आवाज अच्छी नहीं थी मेरी, रो रहा है बंद कर दिया। अरे आपने म्यूजिक बंद कर दिया।